मुझे मेरा फोन मिल चुका है, मेरा फोन ये रहा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे को नए व्लॉग में। आज का व्लॉग काफी शानदार होने वाला है, शानदार ऐसे होने वाले। 8-9 महीने पहले मेरा नया फोन गाड़ी से चोरी हो गया था, जिसकी मैंने रिपोर्ट अपने शहर में लिखवाई थी और शहर के बाद मैंने उसको मोहताज में जाकर सर्विलेंस में लगवाया था। 8-9 महीने बीत चुके हैं, मेरे पास कॉल आती है सर आपका फोन मिल चुका है, तो आज मैं लेने जा रहा हूँ अपना फोन। गाइस, कभी भी आपका अगर फोन खो जाए तो आपको कैसे फोन सर्विलेंस पे लगवाना है, मैंने पूरी डिटेल अपने पिछले ब्लॉग में दी है जिसमें मेरा फोन चोरी हो गया था। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जाकर जरूर देखना। और आज मैं जा रहा हूँ मुरादाबाद के पीलीकोटी कप्तान आवास पर, जहाँ पे मुझे मिलने वाला है मेरा फोन। मैं आपको पीलीकोटी भी दिखाऊंगा, वहाँ पर सारे क्षेत्र अधिकारियों के घर भी दिखाऊंगा, और काफी अच्छा पीलीकोटी काफी फेमस जगह है मुरादाबाद की। तो गाइस चलते हैं और मिलते हैं आपको पीलीकोटी। आपका अगर फोन चोरी हो जाए और आप फोन लेने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना ना भूलना। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ एक आधार कार्ड की फोटो स्टेट वो मांगेंगे और आपसे मालूम करेंगे कि आपका फोन कैसे चोरी हुआ है, तो आपको सभी चीजें डिटेल्स में बतानी है। बाकी यही था डॉक्यूमेंट्स में और कुछ नहीं था। अब आपको दिखाता हूँ मैं पीलीकोटी तक का सफर, कप्तान आवास तक का सफर। मैं पहुंच चुका हूं मुरादाबाद के पीलीकोटी पर, और पीलीकोटी पर आकर मैं देख रहा हूं यार यहां तो बहुत ही तेज बारिश पड़ रही है, जिसको बोलते हैं मौसम हो रहा है ऑसम। ये देखिएगा गाइस कितनी खतरनाक बारिश पड़ रही है, कितना प्यारा मौसम और रहनी रहनी मौसम हो रहा है। और यही पीलीकोटी है। अभी जो मेरा रास्ता है कप्तान सर के जाने के लिए वो इस साइड को जाना पड़ेगा। अगर आपको कप्तान सर के आवास पर आना है तो सबसे पहले आपको पीलीकोटी आना पड़ेगा। पीलीकोटी से आपको आवास विकास में आना पड़ेगा। आवास विकास में आपको कुछ इस तरह से पार्क दिखेगा और सामने आपको दिखेगा कप्तान सर का घर। तो चलिए अभी चलते हैं, अभी बारिश पड़ रही है तो रुकते हैं थोड़ा सा, फिर चलते हैं आराम से। ये है IAS ऑफिसर का घर और ये है कप्तान सर का घर। अब मैं कप्तान सर के ऑफिस में आ चुका हूँ। ये रहा ऑफिस, कुछ इस तरह से है। इन तीन लोगों का भी फोन खोया हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं ये भी फोन लेने के लिए आए हुए हैं। फाइनली गाइज मुझे मेरा फोन मिल चुका है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे मेरा फोन मिल चुका है। मेरा फोन ये रहा मेरा फोन, और मुझे पूरे ये 8 से 9 महीने बाद मिला है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसमें मेरा इतना डेटा था बहुत ही ज्यादा, लेकिन अब तो वो सारा जा चुका है, लेकिन मुझे मेरा फोन मिल गया, बहुत खुश हूँ मैं। और मैं पूरी पुलिस प्रशासन को, जिसने इस फोन को ढूंढने में पूरी पूरी अपनी मेहनत और जीजान लगा दी, मैं उसका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुरादाबाद की पुलिस। ऐसे ही आपका अगर फोन किसी ने चुरा लिया या आपसे गिर गया तो आप सर्विलेंस पर फोन लगाइएगा, और आप उम्मीद रखिएगा पुलिस प्रशासन से कि आपको फोन आपका मिल जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ आज बहुत ज्यादा। आप देख रहे होंगे बारिश भी पड़ रही है, बारिश में मैं भीग चुका हूँ, देखिएगा बारिश पड़ रही है भाई इस तरह। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं रैप अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।